राजभवन में अटका आरक्षण का मामला राजनीतिक रूप दिखाई दे रहा है। अब राजभवन के खिलाफ खुलकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने पर मुड़ गए हैं। कांग्रेस भवन में हुई बैठक के बाद नाराज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंदोलन का ऐलान किया है। आरक्षण संशोधन विधेयक 2 दिसंबर से राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए अटका हुआ है। कुछ दिन पहले राजभवन की ओर से 10 सवाल भी सरकार से पूछे गए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा, ये वैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण का मामला अब राजभवन बनाम कांग्रेस का रूप लेता जा रहा है। सीएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि क्या राजभवन के विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं। आरक्षण मामले को लटकाए रखने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 जनवरी को रैली निकालने का निर्णय लिया है। इस मामले में आबकारी मंत्री कवासी से लखमा ने आरोप लगाया है कि राजभवन भी भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। की बैठक उन्होंने ली और अभी फर्स्ट सेशन अभी समाप्त हुआ है। ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक अभी लंच ब्रेक के बाद होगा और बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, सारे पहली बात तो यह है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। जो राहुल जी कहते हैं ना कि जितने संवैधानिक संगठन है उसको कमजोर किया जा रहा है, तो जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा तो बड़े होगी वो विधिक सलाहकार, हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते, फिर वो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।